नहीं सब भी होता है अनुगत सिद्धांत से गैस के नियमों की व्याख्या। यहाँ पे गैस के दो नियम है, गैस के नियम की अगर बात करते हैं तो गैस जो है दो नियमों को फॉलो करता है, चार्ल्स लॉ और एक वॉल्स लॉ। तो अनुगति सिद्धांत से हम चार्ल्स लॉ और वॉल्स लॉ को हम प्रूव कर सकते हैं, है ना। देखो चार्ल्स लॉ बेस्ड है किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। वॉल्स लॉ बेस्ड है किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करते हैं किसकी, चार्ल्स वॉल्स लॉ की बात करते हैं, वॉल का नियम, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं उसको प्रूव करते हैं किसी अनुगति सिद्धांत से। देखो अनुगति सिद्धांत में हमने निकाला यह है कि कोई भी गैस को और किसी भी सिलेंडर में या कहीं भी इंक्लोज करते हैं, उसको फिल करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, दाब आरोपित करना है। तो दाब के लिए हमने फॉर्मूला निकाला है अनुगति सिद्धांत के अनुसार, अनुगति सिद्धांत के अनुसार बादरी के अनुसार गैसों का दाब तो P बराबर क्या होता है, बनना है थ्री, P बराबर बनना है थ्री एम अपॉन बी अपॉन वी इंटू वी बार का स्क्वायर का स्क्वायर। जो V का था मल्टीप्लाई कर देंगे तो P इंटू वी बराबर वन बाय थ्री एम वी बार का स्क्वायर या वी स्क्वायर का बार, कुछ नहीं वी स्क्वायर का बार, ठीक है। अब यहां पे दो वी बार क्या है, पे वर्गमाध्य चाल है ना। किसी भी गैसेस के वर्गमाध्य चाल किस पे डिपेंड करता है, किसी गैसेस के वर्गमाध्य चाल किस पे डिपेंड करता है, उसके ताप पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं कि यदि टी क्या हो, नियत हो, टी कांस्टेंट है, गैस का टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे तो उसका वर्गमाध्य चाल जो है ये भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। क्योंकि किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो चाल ज्यादा होती है, टेम्परेचर कम होता है तो चाल कम होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर टी कांस्टेंट है तो वी बार का स्क्वायर भी क्या जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे एम, एम क्या है, गैस का अणुभार। और किसी भी पर्टिकुलर अगर गैस की बात करेंगे तो उसका अणुभार भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कुल में आगे अगर इस इक्वेशन में देखेंगे तो 1 बाई थ्री एम वी बार का स्क्वायर, ये पूरा टर्म्स क्या जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये जब पूरा टर्म्स हमारा कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब पी इंटू वी कांस्टेंट, पी इंटू वी बराबर क्या होगा, नियतांक होगा, ठीक है। तो पी इंटू वी इक्वल टू नियतांक, इसका मतलब है कि वी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय पी, या हम कह सकते पी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वी, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ क्या, सॉरी वॉल्स लॉ क्या कहता है कि नियत दाब पर, सर नियत ताप पर किसी भी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो नियत ताप पर ताप में टी कांस्टेंट होगा तो वी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय पी, या हम लिख सकते पी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अरे बस नहीं, ये तो क्या वॉल्स लॉ जो कि हमने निकाला अनुगति सिद्धांत से। नेक्स्ट चार्ल्स लॉ क्या निकालेंगे, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ, देखो चार्ल्स का नियम, चलो चार्ल्स लॉ जाएगा। देखो सेम अनुगति सिद्धांत से दाब पी बराबर एक बटे वी, ठीक है, एम अपॉन वी वी बार का स्क्वायर। तो ये रिलेशन किसमें देता है, ये रिलेशन देता है हमारा पी और बी टी में, पी और टी में। तो देखो ये जो पी वी बराबर 1 बाय थ्री एम, तो वी वर्ग का स्क्वायर इसको क्या लिखते हैं, वी वर्ग स्क्वायर, टी के टर्म्स में क्या लिखेंगे इसको, रूट थ्री आर टी अपॉन एम वी स्क्वायर, तो थ्री आर टी अपॉन एम क्या लिख सकते हैं, वी बार का स्क्वायर इक्वल टू थ्री आर टी बाय एम निकालने से पहले, तो 3RT by M लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर इसका वैल्यू रख देते हैं इंटू 3RT by M, लिख सकता हूँ M से M क्या जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, PB बराबर RT,
ट्रिक, तो v बाय टी इक्वल टू आर अपॉन पी। यदि p कांस्टेंट है, यदि p क्या हो, अरे तो गैस समीकरण निकल गया। हाँ गैस समीकरण आ जाएगा, p इक्वल टू नियत है, अगर p नियत होगा तो क्या जाएगा v अपॉन टी बराबर क्या जाएगा नियत हो जाएगा। ये नियत मार्क है चार्ल्स का नियम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यह हम इसको अगर हम बात करते हैं किससे, काइनेटिक थ्योरी से, यह हम अगर यह और क्या गया हमारा, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो P देखो P इक्वल टू है हमारा 1/3 mv इनटू v बार का स्क्वायर, v बार का स्क्वायर। देखो इसको अगर हम गतिज ऊर्जा के टर्म्स में लिखते हैं, किसके टर्म्स में, गतिज ऊर्जा के टर्म्स में, तो गतिज ऊर्जा कितना है, हाफ ऑफ एम v बार का स्क्वायर, और हमने निकाला एक अणु की गतिज ऊर्जा कितनी है, 3/2 के टी। तो यहां से v बार का स्क्वायर लिख सकते हैं, v बार का स्क्वायर इक्वल टू देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो के टी बाय एम क्या जाएगा, के टी बाय एम। ठीक है, तो के टी बाय एम अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो p बराबर हो जाएगा 1/3 m अपॉन v इन के टी बाय एम, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो p इक्वल टू हो जाएगा के टी बाय 3 v, के टी बाय 3 v। तो यहां से v अपॉन टी अगर निकालते हैं, निकालते हैं v अपॉन टी, तो v अपॉन टी निकालेंगे देखो ये आ जाएगा k अपॉन 3 p, क्या जाएगा k अपॉन 3 p, v इधर आ जाएगा p इसके डिवाइड में जाएगा, p इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो अगर p कांस्टेंट है, k तो यहां पे कांस्टेंट है हमारे पास, यदि p बराबर नियतांक है, p बराबर क्या है हमारा नियत है, p नियत होगा तो v अपॉन p बराबर क्या हो जाएगा, ये नियत। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि v इज प्रोपोर्शनल टू p। जी बड़ा वाला k बराबर 3/2 rt को क्या है, है और कैपिटल के इक्वल टू 3/2 r, एक मोल गैस का है ना, एक मोल गैस का। तो 20 सर नोट कर ले, हां ये नोट कर लो, पिछली बार है ना, नहीं ये तो सुनो।